हेलो दोस्तों, विद्या सलंग एमएडो को स्वागत है। इस वीडियो में हमसे बात करने वाले एनसीईआरटी के क्लासेस का हिस्ट्री है और लास्ट सब्जेक्ट और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक पढ़ा दिया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सारे के सारे वीडियो को फॉलोअप कर सकते हैं और हमारे आई बटन को प्रेस करके आप सारे के सारे प्ले लिस्ट से बटन निकाल अपने वीडियो निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताते हो, प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 11 क्या है? हमारा अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो मरुतासमी और लौह स्तंभ। मरुतासमी आज बहुत खुश है क्योंकि पहियेदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया और धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतासमी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, और पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी बहुत अच्छे से थी, यानी बहुत अच्छे से थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया है। जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहां उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। और भारत अत्यंत विकसित किस्म का लोहे का निर्माण करता है, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि इसके लोहे के प्रकार है। तो लौह स्तंभ महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है और 3 टन से भी ज्यादा इसका वजन है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय जानकारी की हमें उस समय खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद में भी इसमें जंग नहीं लगा, यानी वे कितने अच्छे कुशल कलाकार थे, उन्हें कितने अच्छे से लोहे के बारे में जानकारी थी जिसके कारण अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। और ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, तो हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों को में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ होता है, स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। और हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोले या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता थी। प्राय सभी स्तूपों के भीतर छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख इत्यादि रखा करते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला के सुंदर कलाकृति से सजाते थे, यानी कि वहां पर रेलिंग इत्यादि बना के चारों घेर दिया जाता था। ठीक है, और मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र रुके रह गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस अब से यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिखा दूं कि सांची का महान स्तूप। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। उसके बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू करते हैं, इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्तियों को रखा जाता था। इस स्थान पर
पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो, और इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। यहाँ पे महाबलीपुरम और ऐहोल, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में। वैसे बाएं के तरफ ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम में एक आकस्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए एकासम कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों नीचे से ईंटों की जगह एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश से बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने और ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्या का सामना करना पड़ता होगा, अब इसको सूचित कीजिए। आपको अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करें तो आप इसके लिए जवाब नहीं पड़ेगा। ऐहोल का दुर्गा मंदिर दाएं तरफ, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, जो दुर्गा मंदिर है ऐहोल का, ठीक है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती है, इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। और पहले काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यानी सब कुछ जो था एक सिस्टम में काम करता था, बिना सिस्टम का ऐसे मंदिर बनना या ऐसा कुछ मतलब स्मारक बनना पॉसिबल नहीं हो पाता था, ऐसा स्तूप बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल सा काम था। इस तरह शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने बनाने या सजाने में अपना योगदान दिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत बड़ा कोई स्मारक अगर आप देख रहे हैं तो आप इस सोचिए कि स्मारक में पैसे खर्च करने वाला से ज्यादा योगदान स्मारक में बनाए गए मजदूरों का हाथ होता है, ठीक है, जिन उनका योगदान सबसे बड़ा होता है। अगर मजदूर ही नहीं अगर काम करेंगे तो स्तूप कभी बन ही नहीं सकता है। चित्रकला, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया, यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार क्या थे, अज्ञात थे। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो, ठीक है। तो पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा तथा देवता से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा पर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा और बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबार जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिससे राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोग से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ऐसी कुछ वीर गाथाएं भी हमें मिलती है। शिला दीपारम से लिया गया वर्णन,
यहाँ कवि से कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया गया, ओ मेरा दुख तो देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही सही, क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना यूं पड़ा है? यह कहाँ का न्याय कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर बक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो? हाँ मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूं, क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश इसमें ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां के राजा तलवार निर्दोष नवांग तुनक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है ऐसे ऐसे मतलब लिखी गई थी, जिससे क्या एक तरफ व्यंगात्मक काव्य बोल सकते हैं आप इसे। एक और तमिल महाकाव्य मणिक मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से का एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। यहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों के सांस में भसी बसी जंगलों जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक है, तो पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानी जो बहुत पहले से प्रचलित है इसी काल में लिखी गई, और इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानियां, विष्णु पुराण शिव पुराण दुर्गा पुराण इत्यादि, इनमें से इन देवी देवताओं को की पूजा की विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें समझ और समझ सके। पुराण को बहुत आसान संस्कृत में दिया गया है, और स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। यानी स्त्रियों शूद्रों को जो कि छुआछूत के कारण नीच जाति का होने के कारण उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से सभी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने ही संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था, धार्मिक पुस्तकों के बारे में जिसमें कृष्ण जो कि मथुरा उसका मुख्य रूप से केंद्र था, कृष्ण भक्ति के रूप में केंद्र था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत रामायण के लेखक हम किसे बोलते हैं? वाल्मीकि जाने जाते हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे और गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथा तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, बंदर राजा की कहानी। एक समय एक बंदर एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगे के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन वहां एक पका हुआ आम गंगा नदी पर गिरकर बहते बहते बनारस पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था।
उसे वह आम मिला और वह चक्कर है वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो वह राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंच के राजा उसके दरबारी ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम की पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदियों पर एक पुल बनाया और इसने इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को के राजा को बचाने की काफी कोशिश की पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर के राजा मृत्यु पर उसे शोक हुआ। राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत एक स्तूप से मिले पत्थर को उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। अब विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणित के तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में भी तुम पता लगाओ, ठीक है। शून्य, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार कर लिया। गिनती के यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई है और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्याति पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता और औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो आप पढ़ लेते हैं अन्यत्र। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे किताबें कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइल लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों और कपड़े रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया और फिर उस लुगदी को दबाकर पानी निचोड़ा, जब वो सूखा का कागज बनाया। आज भी यहां से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की चिकित्सा को सदियों तक गुप्त रखा, करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, यानी चीन शुरू से ही गुप्त रखने में माहिर हुआ करते थे। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप और अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। उपयोगी शब्द क्या है इसमें? तो उपयोगी शब्द स्तूप, ठीक है, मंदिर है, चित्रकला है, महाकाव्य है, कहानी है, पुराण है, गणित है और विज्ञान है। तो दोस्तों हमारा अध्याय 11 खत्म होता है। यहाँ कुछ चीजें नीचे दी गई है, हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि हम जो चीज तिथियों पर एक नजर आप घुमा सकते हैं कि जैसा कि पूर्व पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ में किसी तरह पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व में दी गई। आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी मुख्य रूप से एक तिथिया है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी के पूर्व हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है। महाजनपद तथा गंगा में के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास उपनिषद तथा जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के विचार पर हुआ। पश्चिमी तौर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य राजा का बने 321 ईसा पूर्व बने। अशोक का शासनकाल का 272 से लेकर 231 ईसा पूर्व तक हुआ। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 से 300 ईसा पूर्व थी, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक थी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईसा पूर्व था और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का लगभग 320 ईस्वी और यहाँ कनिष्क का शासन लगभग ईसा पूर्व में ईस्वी, ठीक है। जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 तक था और 630 से लेकर 643 तक चीन यात्री स्वयं तसांग का भारत में आगमन था
और पुलकेशिन दो का शासनकाल 669 से लेकर 642 था। तो दोस्तों हमारा हमारा सिक्स का एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो गया हिस्ट्री का। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा है यार, बताना है, इंस्पिरेशन मिलता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक हमने नहीं किया तो। धन्यवाद दोस्तों।